प्रदेश सवर रहा है, विकास की नई बुलंदियों को छूने वाले इस राज्य की तस्वीर अब बदल चुकी है। विकास के नए आयाम छूने वाली राजधानी लखनऊ को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। राजधानी लखनऊ को मेट्रो, ट्रिपल आईटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात मिल चुकी है। इस परियोजना का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके साथ ही लखनऊ के पर्यटन को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। इमामबाड़ा, भूल भुलैया, रूमी गेट की तरह ही लखनऊ की शान में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है जनेश्वर मिश्र पार्क का। ये पार्क समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र के नाम पर बना है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने इस पार्क का निर्माण करवाया है। ये एशिया का सबसे बड़ा और व्यवस्थित पार्क है। लखनऊ शहर के गोमती नगर एक्सटेंशन में लगभग 376 एकड़ में स्थित ये पार्क बेहद आकर्षक और शानदार है। 5 अगस्त 2014 को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में झीलें, फव्वारे, पेड़ पौधे, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, गोल्फ कोर्स, ओपन जिम, बच्चों के लिए शानदार झूले, विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इस पार्क की भव्यता देखते ही बनती है। आइए नजर डालते हैं इस पार्क की कुछ खास बातों पर। पार्क का कुल क्षेत्रफल 376 एकड़ है। इसमें 7 गार्डन बनाए गए हैं। पार्क में फिटनेस, एंटरटेनमेंट, मेडिटेशन की सुविधाएं मौजूद हैं। पार्क का मुख्य आकर्षण 32 एकड़ में बनाई गई झील है। पार्क शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों में ही सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा इसके खुलने का समय सुबह 5 से 9 और शाम को 4 से 8 है। 400 करोड़ रुपए की लागत से बना ये हाईटेक पार्क यहाँ आने वालों को भी खूब पसंद आ रहा है। इस पार्क की हरियाली पूरे लखनऊ में मौजूद ग्रीन बेल्ट के लगभग बराबर है। इससे न सिर्फ इस शहर के निवासियों को हरियाली का आनंद मिल रहा है बल्कि लगातार बढ़ते तापमान पर भी इसका असर पड़ा है। देश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ के पर्यटन को विस्तार देने में राज्य सरकार की कोशिश सराहनीय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार ये पार्क बना है और इसमें जो पेड़ों की प्रजातियां भी चुनी गई हैं वो भी विशेष रूप से चुनी गई हैं। साथ ही साथ इसमें बोटिंग की व्यवस्था है, वॉकिंग की व्यवस्था है, जॉगिंग ट्रैक की व्यवस्था है, पिकनिक करने की व्यवस्था है, खेल कूद की व्यवस्था है, प्लेइंग इक्विपमेंट लगे हैं। तो जो कुछ सब कुछ एक पार्क में होना चाहिए, जिसको चाहिए किसी भी नागरिक को, है। इसीलिए अभी से ही मैं देख रहा हूँ कि जनेश्वर मिश्र पार्क में वीकेंड्स में कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग निरंतर जा रहे हैं और इस पार्क का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छी परियोजना है, इससे लखनऊ वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। अपनी नजाकत और नफासत के लिए मशहूर लखनऊ पर्यटन के लिए एक बेहतरीन जगह है। लखनऊ शहर अपनी तहजीब, बहुरंगी संस्कृति, दशहरी आम के बागों और चिकन कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ की इस पहचान को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उत्तर
उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व पूरे हुए वादे अब है नए इरादे।